नूरपुर अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन अस्पताल में सही प्रबंधन न होने के कारण मरीजों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मरीजों की बढ़ रही संख्या को अस्पताल प्रबंधन डॉक्टरों की कार्यकुशलता का नतीजा बता रहा है। आलम यह है कि अस्पताल में मरीजों को पर्ची लेने के लिए भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के चलते एक एक बिस्तर पर दो दो मरीजों को लिटाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में 135 बिस्तर का प्रावधान है, लेकिन 100 बिस्तर लगे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में जगह न होने के चलते 100 से अधिक बिस्तर नहीं लग पा रहे हैं। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि मरीजों को समय पर डिस्चार्ज न करने के कारण भी ये गंभीर स्थिति बनी हुई है। अगर मरीजों को सही समय पर डिस्चार्ज किया जाए तो ये गंभीर स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। जब इस बारे में CMO कांगड़ा RS राणा से बात की गई तो उन्होंने पीठ थपथपाते हुए कहा कि लोगों का रुझान सरकारी अस्पताल की तरफ है। अधिक मरीजों का आना स्पष्ट संकेत है कि नूरपुर सिविल अस्पताल के डॉक्टर अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते ये संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। ये बिल्कुल ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने इसको 200 बेडेड अप कर दिया है। जब ये इसकी बिल्डिंग नई वाली तैयार हो जाएगी तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम है वो जो है कि खत्म हो जाएगी। ये तो एक अच्छी बात है कि आपके डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा लोग जो है कि आपके हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो सरकार की तरफ से जो डॉक्टर की तरफ से जो बेटर सर्विसेज दी जा रही हैं, उसके कारण ये राशि है। सेक्रेटरी हेल्थ जी ने भी बात हुई थी, हमने जो है कि जुवाड़ी के लिए जो एस्टिमेट है मौसरी का बना के भेज दिया हुआ, फतेहपुर में भी बन रहा है और मेरे ख्याल है ये सॉल्व जल्दी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कब से दाखिल है? क्या बता रही है? एक बेड पे दो है? क्या करे, बेड नहीं है। कब से दाखिल है यहाँ पे? कल। एक बेड पे दो मरीज? कब से? दो दिन से दो ही है। इन्हीं बेड का कर लिया।